पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर की मड़ैया निवासी बीएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना मिलने से घर में कोहराम मच गया। मृतक जवान के भाई ने बताया कि उनका भाई असम के मालदा में बीएसएफ के जीडी पद पर तैनात था और उनकी वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात भी हुई थी। सुबह जब फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनके भाई की मौत हो गई है तो सूचना पाकर परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोग मृतक जवान की मौत की वजह जानने के लिए जमा होने लगे। परिजनों के मुताबिक जब मौत की वजह जाननी चाहिए तब संबंधित अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह बताने की बात कही। पागबड़ा के बागड़पुर की मरैयों के निवासी आले हसन पुत्र हाजी मेहंदी हसन तीन भाई में तीसरे नंबर का था। शुरू से ही फौज में भर्ती होने की ललक ने 2012 में बीएसएफ के जीडी पद पर तैनाती मिली और तभी से ही बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहा था। आज अचानक आई कॉल ने घर में कोहराम मचा दिया। मृतक जवान की मां शाहजहां द्वारा बताया गया कि उनकी अपने बेटे से वीडियो कॉल के माध्यम से बात होती थी। कल भी वीडियो कॉल के माध्यम से ही बात हुई थी मगर सुबह आई एक कॉल पर बताया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। भाई जुबैर आलम, शाह आलम, बहन भूरी और माँ शाहजहां का रो रो कर बुरा हाल है। मामला यह है कि हमारा भाई बीएसएफ में भर्ती 2012 से भर्ती था। अच्छा, किस पोस्ट पे थे? जीडी पोस्ट पे। कहाँ पोस्टिंग चल रही थी? मालदा में था। आज क्या हुआ फिर? आज ये हुआ, सुबह हम सोकर उठे थे उसमें अधिकारी का फोन आया हमारे पास। बोले सर ये आले सन कौन है? बोले हमारा भाई है। और जी बोले इनकी शादी हो चुकी है? बोले शादी नहीं हुई है इनकी। बोले सर बताइए क्या बात? बोले इनकी डेथ हो चुकी है। बोले सर किस वजह से, क्या हुआ, कोई दुर्घटना के कोई बात? उन्होंने ये बताया, बोले अभी हम कुछ बता नहीं सकते। सोकर सुबह रात ही 12 बजे ड्यूटी करी उन्होंने, 12 बजे ड्यूटी के बाद, और 12 बजे ड्यूटी के बाद हम सुबह संतरी उठाने गया तो उन्होंने जो उठे नहीं उस। अच्छा, कितनी उम्र होगी? लगभग 30 साल उम्र होगी। शादी नहीं हुई अनमेरिड है।